दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी दर्शना जो यात्री आए हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं और बाबा के धाम में जा रहे हैं। बाबा ये तो गाइस हम लोग पहुंच गए रामेश्वरम धाम में। यहाँ पे भीड़ देखिए, सभी लोग यहाँ पे पूजा अर्पण कर रहे हैं और दीप अर्पण कर रहे हैं अपनी कामना के लिए। हम लोग भी आए अपनी कामना पूरी करने के लिए और आज हम दर्शन करके ही जा आ रहे हैं महादेव। ये देखिए पूरे मूर्तियाँ हैं रामचंद्र जी के भाई की, ये पूरी सभी लोग हर हर महादेव का नारा कर रहे हैं। ये देखिए पूजा अर्पण हो रही है, सभी अपनी मनोकामना बाबा इनकी यात्रा को पूर्ण हर हर महादेव करते हुए आदर्श। यही तो चढ़ाओ, वहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे और हमारे आदर्श जी भी गए हैं इस भीड़ में बाबा को बनाने। आइए तब तक मैं आपको कुछ और चीज देता हूँ। ये देखिए मंदिर का आउटडोर है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ पे अच्छा करके। तो गाइस हर हर महादेव, आज मैं महादेव के नाम से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो वेलकम टू माय न्यू बंदे का ब्लॉग्स। तो आज हम आ चुके हैं, अभी हम रामेश्वर आ चुके हैं। तो रामेश्वर का जो यात्रा है वो रात को शुरू हुआ था 8 बजे से, यहाँ पे हम मतलब 50 किलोमीटर की यात्रा जो है इनकी पूरी हो चुकी है और अभी 40 किलोमीटर की यात्रा और बची हुई है। तो हमने भी यात्रा के साथ साथ मतलब इन्वॉल्व हुए और साथ में मैंने भी अंदर दर्शन किया। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो अब हम आगे की जर्नी जो है शुरू करेंगे और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको जैन बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज जैसा हमने अपनी यात्रा महाशिवरात्रि की रात से सुबह की और आज सुबह के 7 बज चुके हैं, यहाँ पे देखे सारे भक्त लोग इस जो रामेश्वरम है इस धाम को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद ये अपने अगले स्टेप पांचों पांडवा जो यहाँ से 20 किलोमीटर है वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद 20 किलोमीटर आखिरी धाम पड़ता है वहाँ पे वो यात्रा करके वो फाइनली काशी विश्वनाथ धाम में पहुँचेंगे और वहाँ पे जो पूजा अर्चना करके उनकी यात्रा कंप्लीट होगी। ये यात्रा बहुत ही तकलीफ देह है बट ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि महाशिवरात्रि की जो रात होती है और सुबह होती ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी यात्रा आप देख रहे हैं जो हमने शुरू की थी, ये यात्रा एक पूरे सर्कल में है जो हमने मेन शिवा टेम्पल से स्टार्ट की थी। तो एक सर्कल में हर एक जो टेम्पल का डिस्टेंस होता है वो हमारे जो यूनिवर्सल को डेडिकेटेड करता है। 9 प्लैनेट होते हैं, उनकी जो बीच की दूरी होती है, जो डायरेक्शन होते हैं, तो ये पूरा एक सर्कल है, ये पूरी एक अंतरिक्ष का इन्होंने इस जर्नी में डिज़ाइन किया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ऐसी यात्राएं होती हैं, एक यूरोप में होती है, दूसरी यात्रा जापान की होती है ठीक ऐसे ही जैसा हम फेमस है, और तीसरी यात्रा काशी की ये पंचकोशी यात्रा होती है जिसको किया जाता है, जिसका मेन मकसद होता है अपने अंदर ऊर्जा के भंडार को संचित करना। इसीलिए लोग
शिवरात्रि की रात से ये पूरे 24 घंटे की यात्रा करते हैं और शिव की एनर्जी को अपने बॉडी में फील करते हैं। तो ये पूरी तरह से आप कहा जाए तो ये कॉस्मोस की यात्रा है, एक यूनिवर्स की यात्रा है जिसको कहा जाता है, और यूनिवर्स का मतलब होता है शिव। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आएगी, ये यात्रा क्यों की जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और ये भक्तगण पूरी यात्रा करने के बाद, लोकल में ऐसा बिलीफ किया जाता है अगर ये यात्रा पूरी कर लेते हैं तो इनकी जो आने वाली 7 जनरेशन है और पीछे वाले जो 7 जनरेशन, उनके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, इसीलिए ये यात्रा की जाती है। इस यात्रा के बीच हम लोग आते हैं, हम लोग आए थे, बहुत से ऐसे लोगों को मिले जिनके पाँव में एकदम बड़े बड़े छाले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा को शिव के नाम पे कम कर रहे हैं। तो ये शिव की बहुत बड़ी महिमा है कि इतनी सारी तकलीफ़ होने के बावजूद भी खुशी खुशी यात्रा की जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि भगवान शिव उनकी रक्षा करें और वो अपनी यात्रा अच्छे से कर लें। ठीक है, और दोस्तों जो ये यात्रा है उसमें जी हाँ चलो, और दोस्तों जितने भी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब इनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी लंबी यात्रा की है, सबके पैर में चोटें लग गई हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से लोग यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इनके लिए एक बार हर हर महादेव ज़रूर बोले। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी नए लोकेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।